আসসালামু আলাইকুম। চোনে ওয়াশে জোরে তবে তো ওয়াশে করিতে তাকে মা লেটা চোনে ওয়াপ দিতে গানে কি ওয়াপ আটকে 500 রুপিয়া পেতে তো লেট আমি ওয়াশটা মা ওয়াপ দিতে তো ওয়াশে মা ওয়াশে বরাবর। আসসালামু আলাইকুম, উম্মীদ করতাম আপ লোক সব খেরিয়ত হোগে। মে আবি নিন্দ সে উঠা হুম খেরিয়ত সে। তো আজ মুঝে অনিতা নে ইনভাইট কিয়া ইয়াহ পর হেলপিং এন্ড ফাউন্ডেশন কি তরফ সে। ইয়াহ পর হর সাল আফতারি দফতর কা ইয়াহ পর হোতা হ্যায়। তো আজ अनीता ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर आया हूँ आज। अनीता बताएं यहाँ पर तो मैंने इनवाइट नहीं किया, मैंने काम के लिए बुलाया तुमको। अच्छा। काम करना है और वैसे ये हेल्पिंग हैंड्स वाले तो हमेशा करते हैं इफ्तारी वगैरह लोगों की हेल्प के लिए, लेकिन इस दफ़ा हमारे यूट्यूबर भाई ने मुझे कुछ यू नो फंड्स भेजे थे यहाँ पर इफ्तार करवाने के लिए, क्योंकि चूँकि वो कराची में हर साल करवाते हैं इफ्तार ड्राइव। तो मुनीब भाई हैं जो के यूट्यूबर हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और बड़े फेमस हैं यूट्यूब पे, तो उनकी हेल्प से आज मतलब आज की जो इफ्तार ड्राइव है वो उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो मैंने कहा कि जब यूट्यूबर ने हेल्प की है, स्पॉन्सर किया, तो यूट्यूबर्स को तो होना चाहिए ना आज के इफ्तार में। और आज मेरे ख्याल से मैं और आप हैं और कोई भी नहीं है। यासिर को मैंने बुलाया था, यासिर ने बोला कि मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा 6:30 का, मुझे बोला 6:30 हो गया, मतलब काम के टाइम पे सब भाग जाए। चलो यहाँ पर अफ्तार के दस्तरखान लगा रहे हैं। ये हेल्पिंग एंड फाउंडेशन का दस्तरखान और ये जो जगह है, ये जगह का नाम हम बोलते हैं जावेद कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हर साल ये होता है। इस तरफ भी काफ़ी बच्चे वॉलेंटरी काम कर रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह। यहाँ पर अभी मगरब करीब होगा तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, सारे मुसाफिर यानी के मजदूर तबके के लोग यहाँ पर जाते आ जाते हैं। सारे मजदूर मुसाफिर यानी कि सब लोग आए हैं और इस तरफ यहाँ पर हमारा दस्तरखान यहाँ शुरू होता है। अनीता बैठा हुआ है और इस तरफ सारे बच्चे हैं, इस तरफ ये सारे बच्चे हैं और एक साइड में सिर्फ औरतें हैं, वो मैं नहीं दिखा सकता। बस में अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं आजान के और अनीता भी साथ में। बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। आज तक कुछ ज़्यादा भूख लग रही है, घर पे इतना पता नहीं चलता ना, क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ, बर्तन धो रही हूँ, कुछ और काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ देख रही हूँ और खाने देख रही हूँ तो मुझे ज़्यादा भूख लग रही है। बस में आजान है अनीता, आजान है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, भी बिस्मिल्लाह करते हैं। अनीता तो अफ्तारी ज़्यादा चाहिए हो रहा है। मैं अफ्तारी में डेली बेसिस पे सिर्फ दो खजूर
दही के साथ ना, बिना दही के साथ मैं खजूर नहीं खा सकती, बूढ़ी उड़ी हूँ, दांतों में दर्द हो जाता है। और साथ में मैं फ्राइज बना लेती हूँ, वो खाती हूँ, पकौड़े वगैरह नहीं खाती हूँ क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है ना, फिर नमाज के वक्त नींद आती है। बस भी अभी हम लोगों ने अफ्तारी किया, हमने और लड़कों ने, मुझे बिस्तर चाहिए, मैं सोना चाहती हूँ अभी। मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा अभी, बहुत बहुत खा लिया मैंने। पता है मैं और फरीद आखिरी थे, सब उठ के चले गए थे, हम अकेले बैठ के खा रहे, पीछे मुड़ के देखो कोई भी नहीं है। बस अभी हम रक्षा से जाएंगे इस वीडियो में, इसे भाई अनीता मेरे रक्षे पे बैठ गया। अनीता क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रही थी कि तुम्हारी पराठो हर वक्त मतलब ऑपरेशन थिएटर में क्यों होती है, ये क्यों बीमार रहती है? ये डेली बीमार रहता है, पता नहीं क्यों। नजर उतरवाओ अभी, बिस्मिल्लाह करते हैं, पराठों को चालू करते हैं।